वेलकम डियर स्टूडेंट, 12 क्लास स्टेटिस्टिक 14.2 एक्सरसाइज 12 का ये पार्ट मैंने पहले ऑलरेडी करवा दिया, लेकिन उसमें कोई गलती हो गई थी। मेरा ख्याल है मैंने वैल्यूज़ को गलत पुट कर दिया था या फार्मूला में कोई गलती हुई थी, जिसकी वजह से आंसर थोड़ा सा ठीक नहीं आया या ज़्यादा नहीं ठीक आया। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट किए थे, तो इसी वजह से ये सेकेंड टाइम मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, उसने कहा ये आपको यू दे दिया गया, ये वी दे दिया गया, यानी कि बाय कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। वो सबसे पहले प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। अब इसके दो तीन नाम है, मैंने तकरीबन हर वीडियो में बताया, मैं भी आपको वो भी पता होंगे। अब यहाँ पर बाकी ये जो पेपर सॉल्व करने का तरीका है, वो आप मेरे जब मैं पेपर पर क्वेश्चन करता हूँ अक्सर, तो मैं जल्दी में करता हूँ। देखें, ये मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ आपने बिल्कुल पेपर सॉल्व करते हुए इसी तरह करना है जिस तरह ये मैं करूँगा, ठीक है। आपके सामने मैंने पेपर में इसी तरह सॉल्व किए थे, और जो मेरी गलतियाँ हुई मेरे से हुई वो भी मैं आप लोगों को अलग से वीडियो में बताऊँगा और अपने मार्क्स भी शो करूँगा। अब यहाँ पर देखें, यू एंड वी आपने निकालना है। यू एंड वी की बदौलत आपने प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यू एंड वी निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं यू निकाल लेता हूँ, ठीक है, और साथ ही वी निकाल लूँगा। आपने यू के सामने ये वाली इसकी जो भी इसने दी है हमें रिलेशन दिया है -1000, ये भी लिख लेना, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखें, इसको आपने ज़ुबानी करना है, कैलकुलेटर बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं है। देखें, 1000 में से एक्स वाला कलम ये वाला है, ठीक हो गया जी, ये वाला एक्स वाला कलम है। 1000 में से 1000 माइनस करना है, करेंगे एडजस्ट कर लूँ अपने पास इस तरह से। अच्छा, 1000 है ना, ये वाला एक्स वाला कलम देखते जाना है आपने, 1000 है, 1000 में से 1000 माइनस किया तो क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो बच जाएगा। अब 1012 में से 1000 माइनस किया तो 12 बच जाएगा ओनली। 1009 में से 1000 माइनस किया तो 9 बच जाएगा, 7 बच जाएगा इसका, इसका 10 बच जाएगा, इसका 15 बच जाएगा, इसका 10 बच जाएगा, और इसका 11, ठीक हो गया जी। ये भी आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से करने। अब इसी तरह वी निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं लाइन लगा दूंगा। वी का रिलेशन क्या है, वाई माइनस 250, ठीक है जी, डिवाइड बाय 5। अभी आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं सर आप नीट काम किया करें, आप ऐसे किया करें, आप अपनी राइटिंग को कुछ इस तरह से किया करें। देखें, मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट फॉर आपकी फॉर्मेलिटी के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेथड बताता हूँ कि आपने खुद करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा आपने कॉपी पेस्ट करके इसी तरह तो नहीं पेपर में लिख देना, आपने अपना लिखना है तो जिस तरह मर्ज़ी लिखे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मेरे पास जितना टाइम होता है मैं वही लगाता हूँ। अभी यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ। मेरे पास ये स्केल तो नहीं, आपके पास स्केल होगा, ये मेरे पास एक कंप्यूटर की पीसी रैम है, मैं इसके साथ लाइन लगाऊंगा, ठीक है। आपके पास स्केल होगा, आपने बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, यहाँ पर रख के बिल्कुल सीधी लाइन। मैं अभी यहाँ पर लगा लेता हूँ, वो बह रख के ये मैंने लाइन लगा दी रैम को रख के, ठीक है, पीसी रैम की। आपके पास जो भी चीज़ हो, आपने स्केल से प्यारी सी लाइन लगानी है, अच्छी सी हेडिंग देनी है, ये वाली चीज़ें आपने मार्कर से लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। अब यहाँ पर आगे देखने, बिल्कुल आपके पास पेपर शीट इसी तरह की होती है, ठीक है, आम रजिस्टर के पेजेस समझ लें। वी निकाल लेते हैं। देखिए, वाई में से 250 माइनस करना, वाई कितने 235 है, 235 में से 250 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है, 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा, और ये 3 माइनस का होगा, वो कैसे, 235 में से 250 आपने माइनस करना है, ठीक है, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो जल्दी जल्दी करेंगे, 235 माइनस 250, ठीक है, एंटर करेंगे, ओके हो गया जी। फिर ऐसे ही आपने डिवाइड वाला बटन प्रेस कर देना है, ठीक है, ये खुद को डिवाइड कर देगा, डिवाइड बाय 5। अब इसको मैं एंटर करता हूँ यहाँ से। देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह आपने करना है, ये भी शॉर्टकट था,
मेथड है। अब यहाँ पर 240 माइनस करेंगे 10 आएगा, 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, यहाँ ये आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 250 में से 250 माइनस करेंगे 255 में से 250 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह 260 की बारी आ गई। ठीक है, अब मैं एक एक चीज़ तो आपको नहीं करके दिखा रहा लेकिन आप समझ रहे होंगे। इसका 3 आ जाएगा, इसका 20 बचेंगे, 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके हो गया जी। उसके बाद हमें चाहिए प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में यू स्केयर एंड वी स्केयर हमें चाहिए होते हैं। ठीक हो गया, यू स्केयर निकाल लेते हैं। यू वाले के सारे के स्केयर, यू का 0 का स्केयर 0 आ जाएगा और 12 का 144 आ जाएगा। आपको 20 तक स्केयर जो है वो ज़ुबानी याद आने चाहिए, ज़ुबानी आने चाहिए। ठीक है, 25 तक ये बहुत ईजीली आप कर सकते हैं क्योंकि बार बार जब यूज़ होते हैं तो वैसे याद हो जाते हैं। ये इसका आ जाएगा 9 का 81, 7 का 40, 9 10 का 100, 15 का 225, 10 का 100, 11 का 121। ओके हो गया जी, ये देख लिया आपने सारे। अब मेरे से गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, आपने खुद ठीक कर लेना है। 3 का आ जाएगा 9, वी का स्केल लेंगे इस वाले वी का। ठीक है जी, 3 का 9, 2 का 4 आ जाएगा और ये प्लस का रहेगा। ठीक है जी, 1 का 1 आ जाएगा, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 एंड 4 का 16। और यहाँ पर लाइन लगानी है तो वो भी लगा लेते हैं। अब इसके बाद मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट यू वी। ठीक हो गई, इसको निकाल लेता हूँ। वैसे जो चीज़ें मुझे पता होंगी मैं खुद ले लूँगा वरना कैलकुलेटर तो है ही। 144 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5676 आ गया जी। ठीक है, 81 को करूँगा 81 ही रहेगा, इसको करूँगा 0 से 0 आ जाएगा, इसको 100 से करूँगा तो 100 ही रहेगा। 225 को 5 से कर लेता हूँ, 225 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये 1125 आ रहा है। 9 को 100 से करूँगा, 900 आ जाएगा, वेरी सिंपल। और इसको करके देख लेता हूँ। अब मैं सब के सब जितने भी मैंने निकाले हैं उनके मैं सम फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये 1936 आ रहा है। ठीक है, मैं लाइनें भी लगा लेता हूँ और इन सब के सम भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। मुझे यू वी का सम चाहिए, बस इन पांचों का चाहिए। ठीक हो गया जी, मैं ये कर लेता हूँ, फिर वीडियो दोबारा से लगाता हूँ। ओके हो गया जी, मैंने ये सम सारे फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पर देखो, मैंने सम डाल दिया, यहाँ इसका सम नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए। और दूसरे नंबर पर मैंने वीडियो, जैसे ही वीडियो पर मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि आपको अच्छी तरह से नज़र आए, तो यू वी को मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर हमने यू स्केयर और वी स्केयर को मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए इस कॉलम की ज़रूरत नहीं, हमें यू वी को मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, मैंने इन पर स्केयर नहीं डाले थे लेकिन इनको मल्टीप्लाई करना था। अब वीडियो पर फोकस रहे तो कई बार ऐसी गलती हो जाती है। अब यू वी को मैंने मल्टीप्लाई किया, 0 को 3 से किया तो 0 आ गया, 12 को 2 से किया 24, 9 को 1 से माइनस 9। ठीक हो गया, ये इसी तरह ये सारी वैल्यूज मैंने निकाली। अब आपने ये वाला कॉलम नहीं बना लेना गलती से। ठीक हो गया जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। कोरिलेशन फाइंड आउट करना विच इज़ इक्वल टू, इसके 3-4 फार्मूले हैं, आप जिसको मर्जी यूज कर लें। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर एक्स वाई आना चाहिए इस, क्योंकि हम कोडिंग बाय कोडिंग वे से कर रहे हैं, तो सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी। ठीक हो गया जी, एन सिग्मा यू स्केयर माइनस सिग्मा यू होल स्केयर। इसको यहाँ पर इग्नोर कर लेते हैं और यहाँ से एक और ब्रैकेट शुरू करते हैं, एन सिग्मा वी स्केयर माइनस सिग्मा वी होल स्केयर। ठीक हो गया जी, ये फार्मूला है। ठीक है, आपने जितना प्यारा हो सके आपने उतना लिख लेना है। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, यहाँ पर मैं पेंसिल रखता हूँ तो ये कैमरे से अटैच करती है तो भी ये दिक्कत हो रही है। एन सिग्मा यू वी तो ये हमारे पास है 81, एन कितना है इसका, इसको काउंट कर लें, 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट एन है हमारा, ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एन इज इक्वल टू एट, एट इंटू सिग्मा यू वी, यू वी जो है हमारा 81 है, माइनस सिग्मा यू जो के 74, और वी है हमारे पास 4 डिवाइड बाय 8 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा यू स्क्वायर है हमारा 820, ठीक हो गया जी 820 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, सिग्मा यू है हमारा 74 इसका स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद सिग्मा वी स्क्वायर जो कि मेरे पास 44 है, माइनस सिग्मा वी जो कि 4 है, 4 का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। ये हमने डाल दी इसके ऊपर अंडर रूट। अभी हमने इसको एक ही बारी में इसको सोल्व कर लेना है, देखो मैं आपको करके बताता हूँ, दिखाता भी हूँ। एन सिग्मा यू वी एट, सॉरी आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है ऊपर के लिए, ठीक है। आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे समझ लें यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखना है, इसको यहाँ तक, ठीक है जी। मैं ब्रैकेट वैसे ही आपको डाल के दिखा दिए, एट मल्टीप्लाई बाय सिग्मा यू भी है हमारे पास 81, माइनस सिग्मा यू है 71, और ये है सिग्मा वी है 84, सॉरी, ठीक है। ब्रैकेट को मैं करता हूँ क्लोज। अब उसके बाद आपने डिवाइड प्रेस करना है, उसके बाद आप लोगों ने अंडर रूट, अंडर रूट करना है, आपने एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने अब ये यहाँ पर बेसिकली ना दो ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पर एक ब्रैकेट हो और एक एंड पर हो। इसकी वजह एक मैथमेटिक्स का रूल है कि ये बाद में स्क्वायर रूट लेगा, वरना ये एक एक का स्क्वायर रूट लेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना, ये मैंने लगाई है, ये इसको बंद भी करना है एंड पे, याद रखना है। अब यहाँ पर ये वैल्यूज मैं पुट कर लेता हूँ, क्या है 8, ये तो बड़ी ब्रैकेट है ना, छोटी वाली भी लेनी है ना हमें यहाँ से, ये वाली एक और ब्रैकेट ले लेता हूँ, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 820, यहाँ पर कर लेता हूँ 820 माइनस 74 स्क्वायर, ये 74 का स्क्वायर ले लिया। इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया जो यहाँ पर मैंने शुरू की थी, ठीक है। अब एक और ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, ये वाली 8 मल्टीप्लाई बाय 44 माइनस 4 स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी, ये वाली जो यहाँ से शुरू की थी यहाँ पर, ठीक है। और ये एंड वाली ब्रैकेट अभी क्लोज करनी है, ये जो हमने शुरू में ली है, ठीक है। ये वाली एक और बार मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये आ गया हमारे पास 0.603, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, कोई हमने गलत पुट की है, यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा जी ये 74, हाँ ये देखिए 74 था, हमने 71 किया मल्टीप्लाई बाय 4 से किया। अभी इसको मैं कर लेता हूँ, आपने क्या करना है, इस तरह अगर गलत पुट हो जाए, ये भी एक एग्जांपल बन जाती है, आपको करेक्ट करने का पता चल जाएगा। अभी फ़र्ज़ करें ये मुझसे गलत पुट होगी, ठीक है। अभी मैंने इक्वल टू का प्रेस कर दिया साइन, अभी इसको करेक्ट कैसे करना है, आपने सिंपल ये वाला बटन प्रेस करना है, रिप्ले वाला, ठीक है। इसकी साइड, इसको साइड पर ले आना है, साइड पर ला के इधर को लाना है, ये 71 पे लाना है ना, यहाँ पर 74 कर दिया। अब एंटर करता हूँ मैं इसको, तो ये देखें
अब बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, वही जो बुक पे प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का आंसर है 0.583। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया 0.583। नंबर पर अगर आपसे कुछ इस तरह गलत हो जाए, पीछे आ जाए, ये वाला बटन अक्सर प्रेस कर देते हैं इसी वाला, तो भी ये आ सकता है। कैसे आएगा? ऊपर वाला बटन आपने सिंपली प्रेस करना है, ये देखिए एक बार किया आ गया, ओके हो गया। अब यहाँ पर भी कोई गलती है तो आपने वहाँ पर ले जा के इसको ठीक कर लेना है। ये हो गया हमारा करेक्ट। अब उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है y1x एंड x1y रिग्रेशन लाइन, ठीक है, तो वो फाइंड आउट करेंगे। देखिए उसके लिए एक तो तरीका ये है कि हम u x का स्केयर लें, फिर y का लें, ठीक है, फिर x y को मल्टीप्लाई करें, तो ये बहुत बड़ी रकमें बन जाएंगी और इनमें गलती के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसी को हम यूज़ करते हुए प्रोडक्ट सॉरी रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करेंगे y1x फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जिस तरह y1x थी विल बी सेम एज यू ऑन वी, ठीक है, यू ऑन वी होगी, यू ऑन वी नहीं बल्कि वी ऑन यू होगी, ठीक है जी। ये देखिए इसमें वाई यूज हुआ है ना, वी ऑन यू होगी, ठीक है, हमने यहाँ पर ही देख ली वी ऑन यू होगी, ठीक हो गया। अब हम इनको यूज़ करते हुए बी फाइंड आउट करेंगे, फिर ए फाइंड आउट करेंगे। बी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, बी का वही सेम फार्मूला जो हम ऑलरेडी यूज करते हैं, सिंपल नीचे वैल्यूज आएंगे और बी ये कौन सा है, वी ऑन यू, ये आपने बेस में लाजमी लिखना है, वी ऑन यू है, और ये इसका फार्मूला आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अभी यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है, जिस तरह आप सीधा ऊपर से आ रहे हो तो आपके इक्वल टू के साइन तकरीबन सेम ही रहें, ठीक है, ये ना हो कि यहाँ पे इक्वल टू हो आगे भी इक्वल टू हो, तो वो मैं कई बार शॉर्टकट के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल ये चीज़ नहीं बचानी। अब एन सिग्मा यहाँ यू भी लिखना था, सॉरी यू भी, यहाँ पर भी सिग्मा यू और ये सिग्मा वी। अब एन सिग्मा यू भी क्या है हमारे पास, वही हम लिख लेंगे 8 × 81 माइनस 74 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, डिवाइड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर, एन कितना 8, सिग्मा यू स्क्वायर कितना हमारा 820 माइनस सिग्मा यू जो के है 74 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगी बी की वैल्यू। यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ, आपने नीचे वाली लाइन पे लिखनी आगे, ठीक है। अभी मैं अगर उसी को यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मैं ऊपर वाला बटन सिंपली प्रेस करूँगा, ठीक है जी, सेट पे जाऊँगा, जब आप ऑन वाला बटन प्रेस कर देते हैं तो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये अंडर रूट को ख़त्म कर दूँगा, ठीक है जी, 8 × 820 यहाँ तक मुझे चाहिए 74 तक, तो मैं यहाँ पर रख के कर्सर को यहाँ पर मैं डिलीट वाला बटन प्रेस करता जाऊँगा जब तक ये सारा डिलीट नहीं हो जाता। ये देखिए आगे भी डिलीट हो गया है, 74 करूँगा, ठीक है, 74 है ना, इसका स्क्वायर करूँगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा, अब एंटर करूँगा तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी 0.3247, ठीक है जी, 47 तक आप इसको लिखने, 4 डिजिट तक लिखने, चलिए ठीक हो गया जी। अब ये बी की वैल्यू आ गई व्हेन वी ऑन यू था। अभी इसी तरह हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए की फाइंड आउट करने का वही फार्मूला है, और यहाँ पर ए आपने वी यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, वी ऑन यू, ये फार्मूला वही रहेगा, सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स लिखते थे ना, यहाँ पर सिग्मा वी
माइनस बी सिग्मा यू डिवाइड बाई एन करेंगे, एन कितना है 8, सिग्मा बी कितना है, सिग्मा बी हमारे पास 70 अकेला 4 है, माइनस बी है 0.324, ये वाला बी है 3247, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है सिग्मा यू से, सिग्मा यू की वैल्यू हमारे पास जी यहाँ पर ये थी सिग्मा यू की 74 डिवाइड बाई 8 करेंगे और ये आ जाएगी ए की वैल्यू, यहाँ पर ये लिख लेंगे ए वी ऑन यू वैन क्या आएगा। मैं सारा इसलिए आपके सामने कर रहा हूँ ताकि बाद में आप कोई भी कमेंट ना करें कि ये नहीं हुआ, ये आपने सही नहीं किया, ठीक है। तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, लेकिन ये है कि अब आप लोग शिकायत नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपका कोई गिला नहीं रहेगा। इनको मल्टीप्लाई किया ऐसे, एंटर किया, ये आ गया। उसके बाद आपने डिवाइड वाला बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने इसको 8 प्रेस करना है, फिर एक बार आराम से इक्वल टू प्रेस कर देना है। तो ये आ गई ए की वैल्यू -2.50 की जगह 5 आ जाएगा। सो अगर आप 4 डिजिट तक फिक्स करें तो आपका ये 3 4 की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है जब पीछे वाला 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आगे वाले में एक प्लस कर देते हैं, ठीक है। अभी 4 डिजिट तक इसको कैलकुलेटर को फिक्स करेंगे तो ये 5 आ जाएगा 4 की जगह। अब आ गई आपके पास बी की वैल्यू भी ए की भी, ठीक है। अब ये थी, यहाँ पर हम इसकी पहले एक लाइन बना लेते हैं, आगे वाले पेज पर आ जाते हैं, चलिए मैं इसी पर आ जाता हूँ। यहाँ पर हम डेरिवेशन लाइन बना लेते हैं एक, एन वी ऑन यू, v की रिग्रेशन लाइन क्या बनेगी, a प्लस बी यू, ठीक है, बी यू यू से इतना से डाल देते हैं। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -2.5035 प्लस बी यू, बी यू बी की क्या वैल्यू है 0.3247, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर ये v आ गई, ठीक है। v क्या था, बेसिकली v किसके बराबर था, यहाँ पर u डाल देते हैं, v बराबर था हमारे पास y माइनस 250/5, ठीक है जी। और u किसके बराबर था, u था x माइनस 1000 के, ठीक हो गया। अब इन दोनों को पुट कर लेते हैं, यहाँ पर v पुट करता हूँ तो v आ जाएगा y माइनस 250/5 एंड यहाँ पर -5035 प्लस ये u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते 0.3247, u की वैल्यू है x माइनस 1000, ठीक हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये इधर ऐसे ही रहेगी y माइनस 250/5, ठीक है जी। ये माइनस का 2.5035 प्लस 0.3247x माइनस, इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 डिजिट आगे मूव कर जाएगा ये, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लें तो ये आ जाएगा माइनस का 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3247, ठीक हो गया जी।
एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, जो प्लस माइनस होने वाले हैं उनको प्लस माइनस करते हैं, ये और ये प्लस माइनस हो सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये माइनस 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 क्या होती है, प्लस हो जाएगी, तो हम इनको प्लस कर लेते हैं। 2.5035 प्लस 324.7, तो ये 327 आ गया, 0.2035 327 आ गया जी, 0.2035 आ गया, प्लस 0.3247x आ गया जी। ये माइनस करेगा ये, अपने बात याद रखनी है। अब यहाँ पर y माइनस 250 डिवाइड बाई 5 है, ये जो डिवाइड बाई 5 है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन सारे को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ठीक है, इधर डिवाइड हो रहा था ना, इधर जाएगा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों ही वैल्यू हैं, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखें, ये जो आंसर आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो ये आ गया 1636.0175, और ये मैं रहेगा माइनस का ही, ठीक है। और इधर ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 0.3247 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया 1.6235x, ठीक हो गया जी, इक्वल हो गया ये। अब ये यहाँ पर माइनस का है, ठीक है, तो इधर क्या बचा रह गया, इधर हमारे पास वाई माइनस 250 रह गया। अब 250 इधर माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस किस में होगा, इसी में ही होगा ना, एक्स वाली में तो नहीं होने वाला, ठीक हो गया जी। इधर आएगा प्लस होगा, इसमें प्लस करते हैं, माइनस का 1636.0175 प्लस, ठीक है, इसमें प्लस करते हैं 250, इक्वल करता हूँ तो ये आ रहा मेरे पास 1386, माइनस का 1386.0175 प्लस 1.6235x, ये आ गई हमारी रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अब मे भी आपको इसका अच्छी तरह से इल्म हो चुका होगा कैसे हमने बनाई, इसी तरह अगर आप x और y बनाना चाहते हैं वो भी इसी तरह बनाएंगे, अब वो आप खुद बनाने तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, वरना मैं बना ही देता हूँ, चले बाद में आपका ये भी गिला रह जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी u ऑन y, यानी कि a प्लस bb, ठीक है, हो गया, ये बनानी पड़ेगी। अब इन सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं सारे के लिए, फिर आपको ये गिला भी नहीं रहेगा, बल्कि इसको मैं पार्ट टू में करता हूँ, ठीक है, अगला पार्ट इसका वीडियो को बनाते हैं, उसमें मैं आपको ये करवा देता हूँ। इसी वीडियो के कमेंट्स देखें, कमेंट्स में जो पहला कमेंट होगा उसमें आपको लिंक, ब्लू कलर का लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक्स ऑन वाई को।